जय हिंद साथियों। साथियों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एसएससी फेज 12 की जो वैकेंसी आई थी, अगर उसके लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया था भाई ना, तो उसका जो है फाइनली एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। आपको अपना एडमिट कार्ड किस प्रकार से डाउनलोड करना है आज की इस वीडियो में हम आपको कम्प्लीट बताने वाले हैं। तो चैनल पर नए विजिट कर रहे हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। हमारे चैनल के माध्यम से आपको एसएससी की कोई भी अपडेट होती है तो सबसे पहले प्रोवाइड किया जाता है और सबसे पहले आपको बताया जाता है कि किस प्रकार से आपको कार्य करना है, वो भी मोबाइल फोन से। तो चलिए दोस्तों, चैनल पे नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सर्वप्रथम आपको मोबाइल स्क्रीन में आना है, उसके बाद गूगल क्रोम ब्राउजर में आना है। गूगल क्रोम ब्राउजर में आने के बाद आपको एसएससी डाल के सर्च कर लेना है। यहाँ एडमिट कार्ड आपको ओल्ड इसकी ओल्ड साइट पर मिलेगा, तो आपको एसएससी डाल के सर्च करोगे तो आपको इसकी ओल्ड साइट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो एसएससी का ओल्ड साइट जो होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर जो है इसकी क्रोम ब्राउजर पर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको जो है यहाँ पर आने के बाद आपको जो है एक ऑप्शन दिखाई देगा एडमिट कार्ड का, तो यहाँ आपको 5 ऑप्शन 6 ऑप्शन ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा एडमिट कार्ड का, तो आपको एडमिट कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इंडिया में जितने भी रीजन होते हैं उन सभी का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जहाँ से यहाँ पर बहुत सारे रीजन आपको दिखाई देंगे। तो अगर जो स्टूडेंट कर्नाटका रीजन से हैं तो कर्नाटका रीजन की ऑफिशियल साइट पर क्लिक करेंगे और आसानी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर कर्नाटका रीजन की साइट पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि एसएससी फेज यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। आप मैट्रिक लेवल से अप्लाई किए थे या आप जो है ग्रेजुएशन लेवल से या आप 10+2 के लेवल से, आपको तीन ही साइड यहाँ पर 3 लिंक ओपन कर दिया गया है। आप जिस भी से अप्लाई किए थे, जैसे आप 10th से अप्लाई किए थे मैट्रिक लेवल से, तो आपको जो है मैट्रिक लेवल की ऑफिशियल साइट पर क्लिक करना है। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल से अप्लाई किए थे, ग्रेजुएशन लेवल पर क्लिक करना है। तो हमने मैट्रिक लेवल से अप्लाई किया तो मैट्रिक लेवल से क्लिक करेंगे, यहाँ मैट्रिक लेवल एग्जामिनेशन एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा, आपको यहाँ पर सारा कुछ आपका ऑप्शन दिखाई देगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद DOB फिल करके जो है अपना जो है एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर पाओगे। तो यहाँ से आप, अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो आप जो है यहाँ से अपना नेम फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ से आप जो है फादर नेम फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ से अपने DOB फिल करेंगे, उसके बाद कैप्चा कोड डाल के आसानी से आप अपना एडमिट कार्ड आसानी से घर बैठे मोबाइल फ़ोन से डाउनलोड करवाएंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल से अप्लाई किए थे तो ग्रेजुएशन लेवल की जो ऑफिशियल साइट है उससे आपको ग्रेजुएशन लेवल की ऑफिशियल साइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। अगर आपने मैट्रिक लेवल से अप्लाई किया था या जो है 10+2 लेवल से अप्लाई किया था, जो है 12th लेवल से अप्लाई किया था, तो 12th लेवल की ऑफिशियल साइट पर क्लिक करके जो है आप जो है अपना ऑफिशियल साइट पर से आप आसानी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। तीनों ही ब्रांच का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है तो आप आसानी से डाउनलोड करवाओगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक